नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारत सरकार का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं। इसी बीच नीति आयोग ने कहा है कि विजन इंडिया एक्ट 2047 का मसौदा तैयार किया जा रहा। नीति आयोग के शीर्ष अधिकारियों में एक वीवीआर सुब्रमण्यम के अनुसार देश की इकोनॉमी अगले 24 साल में 30 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था विकसित श्रेणी में भी गिर जाएगी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की रणभेरी के बीच पिछले 4 दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इससे जनता तो परेशान है ही, सत्तारूढ़ दलों के नेता भी चिंतित है, जबकि विपक्ष गदगद। उसे चुनावों के बीच बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। एचटी की खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते खुदरा बाजारों में प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले यह बढ़कर 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हावड़ा चेन्नई लाइन पर 2 पैसेंजर ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी भयावह है। दोनों ट्रेनों की बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, जिनमें इस कई यात्री भी फंसे हुए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा सिग्नल ओवर शूट की वजह से हुआ है। एक ट्रेन सिग्नल पार कर दूसरी ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन के क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए मलबे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार चाहती है कि भारत में दूरसंचार सेवाएं दुनिया में सबसे सस्ती बनी रहे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हम पूरी तरह स्पष्ट हैं, आज सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का दूरसंचार क्षेत्र सबसे किफायती है। विश्लेषकों के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को 5G नेटवर्क के कार्य निर्माण में किए जा रहे निवेश को निकालने के लिए 3 साल में प्रति ग्राहक औसत इकाई 270 से 300 रुपए करने की जरूरत होगी। अभी यह 140 से 200 रुपए है। वैश्विक स्तर पर यह कीमत औसतन 600 से 850 रुपए है और चीन में करीब 580 रुपए है। इसराइल और हमास के युद्ध के बीच भारत ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी तेज कर ली है। खबर है कि भारत भी अब आयरन डोम स्थापित करने की योजना बना रहा है। संभावना जताई जा रही है कि देश के कई अहम स्थानों पर 2028-29 तक देशी आयरन डोम तैनात हो जाएंगे, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल जैसे हमलों से सुरक्षा करेंगे। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना 1 नवंबर को संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाओं और 1 मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बांग्लादेश के खुलना मंडल के रामपाल स्थित 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। मार्केट में बीते हफ्ते में सबसे ज्यादा नुकसान HDFC बैंक और TCS को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दोनों के शेयर में मंदी देखी गई। असल में टॉप 10 मूल्यवान कंपनियों को करीब 1,93,181.15 करोड़ रुपए की गिरावट का सामना करना पड़ा। वहीं TCS का बाजार मूल्यांकन 52,580.57 करोड़ रुपए से घटकर 12,25,983.46 करोड़ रुपए से जा पहुंचा। ये भी उन शीर्ष मूल्यवान कंपनियों में से है, जिसके साथ ही HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण 40,562 करोड़ रुपए से फिसल गया और यह 11,14,158.78 करोड़ पर जाकर अटक गया। कैश फॉर क्वेरी विवाद के मामले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसदीय जानकारी साझा करके सरकारी नीतियों का उल्लंघन किया है। 2014 में जारी भारत सरकार की ईमेल नीति में कहा गया है कि एक उपयोगकर्ता किसी भी डेटा ईमेल के लिए जिम्मेदार है जो भारत सरकार के ईमेल सिस्टम का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है, और कहा गया है कि पासवर्ड साझा करना निषिद्ध है। मेल सर्वर के माध्यम से भेजे गए सभी ईमेल डेटा खाते के मालिक उपयोग की एकमात्र जिम्मेदारी है। हम बिहार में एकमात्र पुराने सहयोगी दल हैं। भाजपा के आजकल कुछ नए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं कब तक साथ है और कब चले जाएंगे, और हम लोग शुरू से ही साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि वो जमुई से चुनाव लड़ेंगे और अपनी माता जी को हाजीपुर से चुनाव लड़वाएंगे। तो उस बात को छोड़िए, पहले यह बताइए कि किस दल से लड़ेंगे, कौन सा दल, दल का नाम बताइए, पूछिए उनसे कौन सा दल है, वो दल है कि दलदल है। यह बातें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कही है। लखनऊ में शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड ने 20 साल बाद टीम इंडिया से विश्व कप में कोई मैच गवाया है। दोनों टीमें पहली बार 1975 विश्व कप में आमने सामने हुई थी, जहां इंग्लैंड 202 रन से जीती थी। इसके बाद 1983 में टीम इंडिया को जीत मिली थी। 1987 में इंग्लैंड 35 तो 1992 में इंग्लैंड 9 रन से जीता। 1999 में भारतीय टीम 63 रन से जीती थी। 2007 विश्व कप में दोनों टीमें आमने सामने नहीं हुई। 2011 विश्व कप में दोनों के बीच मैच टाई रहा। 2015 में इनके बीच मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन 2019 विश्व कप में इंग्लैंड फिर से बाजी मारने में सफल रहा और 31 रन से जीत गया। अब लखनऊ में मैच गवाकर इंग्लैंड ने 20 साल बाद विश्व कप में भारत से मैच गवाया है।
एनटीपीसी लिमिटेड का कहना है कि उसके पावर प्लांट्स के पास केवल 8.5 दिनों के लिए कोयला स्टॉक है। यह बात कंपनी के मैनेजमेंट ने 28 अक्टूबर को एक इन्वेस्टर और एनालिस्ट कॉल में कही। सरकारी स्टॉकिंग मानदंडों के अनुसार नॉन पिटहेड प्लांट्स में 20 से 26 दिनों का कोयला होना चाहिए और पिटहेड पावर प्लांट्स में 12 से 17 दिनों का ईंधन होना चाहिए। नॉन पिटहेड पावर प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जहां से कोयले की खान 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। एनटीपीसी के मैनेजमेंट ने कॉल के दौरान कहा कि फिलहाल नॉन पिटहेड एनटीपीसी स्टेशनों पर कोयले का स्टॉक 8.5 दिनों का है। पिटहेड स्टेशनों पर कोयले का स्टॉक कम है, इस समय स्थिति थोड़ी कठिन है। गुजरात के सूरत शहर में 100 घंटे के ब्रेन डेड शिशु के माता पिता द्वारा उसके शरीर के अंगदान करने के बाद चार बच्चों को नया जीवन मिला है। एक अंगदान फाउंडेशन ने रविवार को यह जानकारी दी। इस प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाले गैर सरकारी संगठन जीवन दीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन ने दावा किया कि शिशु देश का सबसे कम उम्र का अंगदाता है। फाउंडेशन के एक अधिकारी ने कहा, जन्म के बाद बच्चे को इनक्यूबेट किया गया क्योंकि उसके दिल की धड़कन कम चल रही थी और वह सांस नहीं ले रहा था। 48 घंटे की निगरानी के बाद उसे न्यूरोसर्जन के पास भेजा गया जिन्होंने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। ऐसी दुनिया में जहां गलत सूचना और फर्जी खबरें बड़े पैमाने पर चलती है, तकनीकी दिग्गज गूगल ने इस मुद्दे से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने हाल ही में एक अभूतपूर्व टूल पेश किया है जिसे पिक्चर फैक्ट चेक के नाम से जाना जाता है। यह नवोन्मेषी टूल उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन मिलने वाली छवियों और तस्वीरों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में मदद करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रतिमान गढ़कर दुनिया को चौंका रहे हैं। प्रज्ञान रोवर और आदित्य एल मिशन के बाद नासा के भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जे बॉब बलराम ने इंजेनिटी तकनीक का इस्तेमाल किया। एक अल्ट्रा लाइट वर्जन वाले कार्बन फाइबर से बना हेलीकॉप्टर तैयार किया गया जो केवल आधा मीटर लंबा है। इंजेनिटी को उड़ाने वाले ब्लेड 2400 और 2900 आर्मी एप पर घूमते हैं। बता दें कि यह पृथ्वी पर किसी भी हेलीकॉप्टर की तुलना में लगभग 10 गुना तेज है। नासा के 1.8 किलोग्राम के इस हेलीकॉप्टर को इंजेनिटी कहा जाता है और इसका निकनेम गिनी है। यह नासा के प्रिजर्वेंस रोवर का हिस्सा है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था और वह अब भी मंगल ग्रह पर सक्रिय है। G7 सदस्य देश के व्यापार एवं आर्थिक मामलों के अधिकारियों ने रविवार को वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ऊर्जा व खाद्य जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। संयुक्त बयान में अधिकारियों ने कहा कि सदस्य देशों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उसे सुरक्षा प्रदान करने तथा कानूनी नियमों के आधार पर मुक्त व निष्पक्ष व्यापार प्रणाली बनाए रखने का वादा किया है। दिग्गज भारतीय उद्योगपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। वे आए दिन कुछ न कुछ ऐसा दिलचस्प पोस्ट करते रहते हैं जो तेजी से वायरल हो जाता है। अब उनका ताजा पोस्ट एक भारतीय खिलाड़ी के जज्बे से जुड़ा है। जी हां, एशियाई पैरा खेलों में 2 गोल्ड हासिल करने वाली तीरंदाज शीतल देवी को आनंद महिंद्रा ने बेहद ही खास तोहफा देने का ऐलान किया है। महिंद्रा चेयरमैन ने कहा है कि शीतल अपने मनमाफिक कार चुन सकती हैं जो उनके हिसाब से कस्टमाइज भी की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश के विजय नगरम में हुए रेल हादसे में कई लोगों की मौत पर सोमवार को दुख जताया। उन्होंने दावा किया कि 1200 ट्रेन हादसे के बाद सरकार ने सुरक्षा के जो दावे किए थे वो हवा हो गए हैं। खड़गे ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो उत्साह नई रेल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने और प्रचार करने में दिखाया जा रहा है, वह यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने में भी दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे व देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा, कल शुरू हुए एक संयुक्त अभियान में सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने केरन सेक्टर के जुमागुड़ इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसमें एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। 29 अक्टूबर को खालिस्तान जनमत संग्रह के दूसरे चरण के समापन पर कट्टरपंथी सिख फॉर जस्टिस समूह के कनाडा में उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा की गिरफ्तारी पर $1,00,000 इनाम देने की घोषणा की और एक नया नक्शा जारी किया जिसमें दिल्ली को खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। गैर कानूनी चरमपंथी समूह वर्मा को सिख अलगावादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार मानता है। इस साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बीते गुरुवार को प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद 2030 तक जीरो हंगर लक्ष्य के चूकने की आशंका व्यक्त की। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कृषि उत्पादकता वृद्धि को सालाना 2% से अधिक बढ़ाने ताकि जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने पर भी घरेलू खाद्य मांग को पूरा करने में कोई समस्या न हो की वकालत करते हुए एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की।
बीते मई महीने में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़के लगभग 6 महीने हो गए हैं। राज्य सरकार 6 महीने बाद भी हिंसा के चरम के दौरान चुराए गए हथियार में केवल 1/4 हथियार और 5% से भी कम गोला बारूद बरामद कर पाई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस संबंध में जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार लूटे गए लगभग 5,600 हथियारों में से लगभग 1,500 बरामद कर लिए गए और गायब हुए लगभग 6.5 लाख कारतूस में से लगभग 20,000 अब तक पुलिस के पास वापस आ गए हैं। ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा अवैध हथियारों के साथ पाए जाने वाले के खिलाफ कई बार बार धमकी देने के बावजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है और इस संबंध में परिवारों के साथ निकटता से समन्वय करेगी। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार यानी 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया का बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई 6 से 8 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। साल 2014 में केंद्र में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की महिलाओं के हित के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करती है। इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार करने पर भी जोर दिया जाता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए यह योजना 2 किस्तों में दिए जाने वाले 5,000 रुपये का लाभ देती है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने रविवार को रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। USISPF के अध्यक्ष और CEO डॉक्टर मुकेश अघी ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि हम कई भारतीयों के जीवन को समृद्ध बनाने में उनके अथक प्रयासों के लिए नीता अंबानी को पुरस्कार देते हुए खुशी हो रही है। सरकार ने सभी निजी कंपनियों के शेयरों को 30 सितंबर 2024 तक अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में तब्दील करने का निर्देश दिया है। इस पहल से वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने और निगरानी बेहतर होने की उम्मीद है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 27 अक्टूबर के संशोधन में कंपनी विनियमन में एक नया खंड शामिल किया है जिसमें निजी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर जारी करने के बारे में कहा गया है। छोटी कंपनियों को छोड़कर सभी निजी कंपनियों को उपनियम 2 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर केवल डीमैट रूप से शेयर जारी करने होंगे। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पार्टियों के राजनीतिक वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर 31 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करने वाली है। चुनावी बॉन्ड योजना को 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत पार्टियों को नकद चंदे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड भारत की नागरिकता रखने वाले व्यक्ति या भारत में स्थापित संस्थान द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इसे कोई व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से खरीद सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर सभांग में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सोमवार को होने वाली समीक्षा और मूल्यांकन बैठक स्थगित कर दी गई। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता आलोक दुबे ने यह जानकारी दी। दुबे ने बताया इंदौर सभांग में भाजपा के चुनाव अभियान को लेकर शाह की अगुवाई में होने वाली समीक्षा और मूल्यांकन बैठक स्थगित कर दी गई है। इस बैठक की नई तारीख अभी तय नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनय यादव, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद सकीर हुसैन, अर्जुन राम, रविशंकर, गुड़िया कुमारे मौर्य, नोनू गोलू कुमार, नौसद अंसारी, अनवर करीम खान, पवन कुमार, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या भारत विश्व कप 2023 की ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।